कोटला रोड ते स्थित गांधी विनेता आश्रम विच अज उस समय फिर भाजड़ मच गई जो आश्रम दियां कुछ लड़कियां ने एक बार फिर भजन की कोशिश की। सूत्रां तो मिली जानकारी अनुसार इस दौरान दोवां धिरां विच धक्का मुक्की भी हुई जिस दौरान आश्रम का गेट भी टुट गया। आश्रम विचों लड़कियां वालों हंगामा अते भजन की सूचना मिलने नाल पुलिस ते प्रशासन विच भी भाजड़ मच गई। आश्रम दे स्टाफ ने इस घटना संबंधी पुलिस नूं सूचना दित्ती। सूचना मिलन ते वड्डी गिणती विच महिला अते पुरश फोर्स मौके ते पहुंच गए अते मामले दी जांच शुरू कर दित्ती। इस दौरान मीडिया कर्मचारियों नूं भी आश्रम दे अंदर जाण तों रोक दित्ता गया। इस संबंधी पुलिस अधिकारी ने दस्या कि फिलहाल पुलिस जांच विच पता लगा है कि आश्रम विच कुछ लड़कियां दी उम्र 18 साल हो चुकी है अते ओ वापस अपने घर जाना चाहुंदियां ने। उन्हां दस्या कि पुलिस वल्लों कीती गई जांच विच कोई भी लड़की आश्रम विचों नहीं भज्जी है। उन्हां दस्या कि अज दी इस घटना संबंधी आश्रम दे स्टाफ वल्लों उन्हां नूं कोई लिखती शिकायत नहीं दित्ती गई। लिखती शिकायत मिलन ते पुलिस वल्लों बनदी कार्रवाई कीती जावेगी। फिलहाल मामले दी वक्त-वक्त एंगलों तों जांच कीती जा रही है। इत्थे जिक्रयोग है कि बीते दिनी भी गांधी विनीता आश्रम विचों 40 कुड़ियां फरार हो गई सन। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अते प्रशासन दे हाथ पैर फुल गए सी। जिस तो कुछ देर बाद पुलिस ने कपूरथला चौंक नेड़े स्थित एक मॉल नेड़े कुछ कुड़िया नू फड़िया। इस तो अलावा कुछ लड़कियां नू देर शाम फगवाड़ा नेड़े ट्रेन विचों फड़ के आश्रम भेजा गया। लड़कियां ने आश्रम के प्रबंधकों से गंभीर दोष लाए सन अते पुलिस के भरोसे तो बाद ही यह सारा मामला शांत होया सी। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ लई ब्यूरो रिपोर्ट। इना खबरां दे प्रयोजक हन गिलको ग्रुप मोहाली तुहाडे लई लेके आए हन प्यार दियां इमारतां सच दी बुनियाद ते।